इस विश्व में धर्म का उदय प्रारंभ रूप से कब हुआ हो, किसको जात नहीं है। इतिहास वाले भी ये नहीं जानते हैं कि अमुक तिथि से अमुक धर्म प्रारंभ हुआ। ऐसा लगता है मानव ने जब ही विवेक प्राप्त किया और कुछ सोच समझने की प्रारंभ किया, तब से किसने किस रूप में धर्म का उदय भी मनुष्य के बीच में होते रहे हैं। परंतु विशेष धर्मों का उदय कब हुआ है, जिसका ऐतिहासिक तथ्य रहते हैं, बुद्ध धर्म जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धार्थ गुप्तम जो शाक्य के एक राजकुमार था, वह प्रव्रजित होकर के ग्रस्त छोड़ करके दुख निवारण की खोज में गया था, उनको ज्ञान मिला और उस ज्ञान को जनता के साथ साझे किया, तब से बुद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ है। और उसके इतिहास के तथ्य से बुद्ध धर्म के प्रवक्ता शक्यमुनि बुद्ध महापरिनिर्वाण होकर के आज तक 2553 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और शायद 54 वर्ष अभी चल रहा है। तो ये सब चीज़ ठीक ठीक से इतिहास वाला जानते हैं और ये ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। ये तो इतिहास की बात हुए और धार्मिक कथा की दृष्टि से, जिसको मैं पौराणिक तो नहीं कहूँगा, बौद्ध शब्दावली में कथा ज़्यादा चलते हैं, जातक कथा और अमुक कथा। कथा इतिहास नहीं है। कथा में जो वर्णित हैं वो इतिहास के प्रमाणों से प्रमाणित किया नहीं जा सकते हैं, परंतु लोक मान्यता में या लोक विश्वास में वो रहते हैं। उस दृष्टि से शक्यमुनि बुद्ध जो ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त किए थे, वो इस कल्प में चौथे बुद्ध मानते हैं। उससे पहले तीन बुद्ध हो चुके थे, तीनों बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया, उनकी धर्म विश्व में रहा, फिर लुप्त हुआ, फिर दूसरा बुद्ध आया और इस कल्प में 1000 बुद्ध आने वाले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध चौथा है और बाकी पांचवां से लेकर के हजारों तक अभी बाद में आने वाले हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उससे हमको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो कथा की विषय हैं। विश्वास करना चाहें तो विश्वास कर सकते हैं, विश्वास नहीं करना चाहें तो वो कोई विवाद के विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐतिहासिक गौतम बुद्ध हैं उसने तपस्या करके, मार्ग साधना करके ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को उपदेश के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, वहां से बुद्ध धर्म का उदय अब मान सकते हैं। वो इतिहास हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं।
तो उस दृष्टि से 2500 वर्ष बुद्ध धर्म को इस पृथ्वी पर हो गया है। बुद्ध चरित की दृष्टि से सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष तक युवराज के रूप में कपिलवस्तु उनकी राजधानी थे, वहाँ पर बहुत विलासित जीवन व्यतीत करते थे। तो उन्होंने देखा कि जगत में दुख से बहुत बड़े परे हैं, कोई भी व्यक्ति दुख रहित नहीं है, यह उनको अनुभूति हुआ। बचपन से ही वह कहीं जगत की विभव से निराश होकर के, त्याग करके, निसरण चित्त उत्पन्न होकर के राजपाट छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा आशंका उनके पिताजी को थे, शुद्धोधन जो राज कर रहे थे। तो इसलिए राजकुमार के सामने कोई दुख और दर्द और विवाद नहीं आने दिया जाता था। वह उदन में जाने से पहले ही उदन में गार्डन में जो सूखे हुए पत्ती हो, मुरझा हुआ फूल हो, वो सबको हटा दिया जाता था कि कोई अनित्यता की चीज़ उनके सामने ना आवे। लेकिन ये सब करने पर भी वह एक दिन नगर ठंड कर रहे थे, नगर में घूम रहा था, तो रुग्गी व्यक्ति को देखा, वृद्धा अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को देखा, मृत्यु का जो शव हैं उसको ले जाते हुए और उनके साथ कुछ लोग रोते चलाते हुए जाते देखा, तो उन्होंने अपने शरत से पूछा कि ये सब क्या है। तो शरत ने कहा कि राजकुमार, ये व्यक्ति रोगिन है, रोग हो गया है, पीड़ा है, इसलिए इनका शरीर बहुत छिन्न हो गया है, संभवतः इस रोग से इनका प्राण भी जा सकते हैं। तो पूछा, क्या ये किस किस को आते हैं रोग, या सबको आते हैं? उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं तो उनको रोग आ सकते हैं। तो उस तरह से वृद्धावस्था को प्राप्त एक व्यक्ति लाठी टेक करके, झुक करके, बड़े कठिनाई से कदम आगे बढ़ा रहे थे। पूछा कि क्या है? ये वृद्धावस्था वाला है और सबको यौवन के बाद तरुण यौवन, फिर मध्य उम्र की, फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो सब ऐसा ही होता है। तो फिर मृत्यु वाला शरीर को देखा, ये इस आदमी का प्राण छूट गया है, तो इसलिए कि संबंधी लोग शोक मना रहे हैं। ये सभी मनुष्यों को आने वाले एक अनिवार्य चीज है, ये जाने पर उनको ऐसा अनुभूति हुआ कि यह युवा अवस्था, यह शारीरिक बल, यह राजपाट, यह सभी विभव क्षणिक है, जाने वाले हैं, अनित्य हैं, निरंतरता नहीं है, तो इसमें कोई सार नहीं है और इससे लोगों को दुख होता है और दुख से तड़पते हैं, प्रताड़ित हैं, शोक अवस्था में पड़े रहते हैं और इस दुख को कोई नहीं चाहते हैं।
दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। दुख से निवृत्त होना चाहते हुए भी दुख में पड़े रहते हैं। सुख को प्राप्त होना चाहते हैं परंतु सुख मिलते नहीं हैं। ये जगत बहुत दयनीय है, करुणा की विषय हैं, दया के पात्र हैं। जगत को दुख से निवृत्त करने का उपाय खोजना चाहिए, ऐसा प्रबल इच्छा शक्ति उनमें उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो संवेदनाशील, बहुत प्रबल संवेदनाशील थे। तो इसलिए जगत के दुख को व्यापक रूप से अनुभूति करना और उस दुख से निवृत्ति की मार्ग खोजना इच्छा उनको हुआ। तो वो राजपाट छोड़ कर की 29 ईयर्स की एज में वो निकल गए, बहुत से गुरुओं के पास गए, मुक्ति मार्ग नहीं मिला। तो अंतत गत्वा बुद्धगया के बगल में निरंजन नदी के तट पर स्वयं बैठ करके चिंतन और मनन करने लगे और भावना क्रम में वह लीन हो गए और 6 वर्ष तक वह तप करते रहे। 6 वर्ष के तप से उनका शरीर सूख करके कंठे हो गए थे, परंतु ज्ञान का प्राप्त नहीं हुआ। तो ये प्रज्ञा उदय हुआ कि मात्र शरीर को तपने से मुक्ति नहीं मिलने वाले हैं, शरीर को एक मध्य मार्ग में डाल करके शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और विलास भोग में नहीं लगना चाहिए और तपना भी नहीं चाहिए। शरीर को ठीक देखभाल करने के बाद चित्त भी स्वस्थ होगा और उस समय सत्य के दर्शन हो सकेंगे। यह विचार करके पुनः सुजाता का खीर ग्रहण किया, निरंजन नदी में स्नान किया, शरीर को पुनः स्वस्थ होने की उपाय अपनाए, तब जाकर बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ कर के वह द्वादश प्रतीत सं उत्पन्न, यह जीवन और मरण की चक्र कैसा चलते हैं इसका कार्य और कारण भाव से 12 ऐसा श्रृंखला बनते हैं, उस 12 श्रृंखला की कारण ये जीवन और मृत्यु भाव चक्र, और इस भाव चक्र में हमेशा दुख से भरे हुए रहते हैं। इस तथ्य को वो देखने लगे और साक्षात करने लगे, और इस साक्षात करने वाले जो प्रज्ञान उत्पन्न हुआ उस प्रज्ञान को मार्ग कहते हैं, और उस मार्ग के माध्यम से सभी दुखों के मूल स्रोत अविद्या को, अज्ञान को, या तथ्य दर्शन से रोकने वाले जो आवरण था उसको मूल सहित प्रहार किया, समाप्त किया, निर्मूल किया, तब जाकर के वह बुद्धत्व सर्वज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उनको ऐसा लगा कि जिस सत्य को मैंने साक्षात किया है वह शब्दातीत हैं, शब्द से वो ठीक से समझाया नहीं जा सकेगा। तो इसलिए संभवतः ये अनुभव लोगों को बांटने में कठिनाई होंगे। इस विचार के साथ 7 सप्ताह तक बुद्धगया में वो विचरण करते रहे। इस मध्य में दमचक्र परिवर्तन के लिए प्रार्थना भी आने लगे देव लोगों से, और उन्होंने अपने प्रज्ञा बल से देखा तो पहले उनको छोड़कर गए 5 वर्गीय भिक्खु, जिस समय सारनाथ में
ऋषिपतन मृगदाव में बैठे हुए थे, उन लोगों को दमचक्र प्रवर्तन करने की पात्रता देख करके गया सारनाथ प्रस्थान किया और सारनाथ पहुंच करके वह 35-36 वर्ष की अवस्था उस समय भगवान बुद्ध के थे। फिर प्रथम दमचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया। बुद्ध ने जो प्रथम दमचक्र प्रवर्तन किया तो केवल 5 श्रोता ही थे, वो सचमुच में 5 श्रोता ही थे। पंचवर्गीय भिक्खु जो पहले बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ थे। जो बुद्ध ने तपस्या छोड़ कर की साधारण आहार उपयोग करने लगे तो सोचा कि ये तपस्या से गिर गए हैं और इनकी चरित्र ह्रास हो गया है, ऐसा सोच छोड़ दिया था। तो उनको तथागत ने दमचक्र प्रवर्तन किया। दमचक्र प्रवर्तन जो प्रथम सारनाथ किया है उसकी मूल देशना 4 आर्य सत्य हैं। तो इसलिए 4 आर्य सत्य या सीधे कहें तो 4 सत्य बुद्ध धर्म का संपूर्ण सन्निहित 4 शब्द में किया जाए तो वो 4 आर्य सत्य हैं। तो वह पंचवर्गीय भी को बताया तो वहाँ से बुद्ध धर्म इस जगत में उदय हो गया, प्रारंभ हो गया। तब से लेकर आज तक 2000 वर्ष से अधिक समय बीत गए हैं। उस समय अनेक दर्शन बोध पूर्वक 6 दर्शन की परंपरा भारतवर्ष में चलते थे और धर्म की परंपरा भी अनेक चलते थे। तो उस श्रृंखला में एक नए बौद्ध धर्म भी जुड़ गए और जैन धर्म की प्रवक्ता भी कुछ वर्ष के समय के अंतर से भगवान बुद्ध की समकालीन रहा है, भगवान महावीर। तो उनका भी धर्म इस भारतवर्ष में उदय हुआ और संपूर्ण विश्व में फैला। तो ये दोनों धर्म को उस समय एक वर्गीकरण भी हुआ, शर्मन धर्म, एक ब्राह्मीण धर्म और एक शर्मन धर्म के रूप से। ये दोनों जैन और बौद्ध अनिश्वरवादी धर्म रहा है। जैन और बौद्ध दोनों अनिश्वरवादी होने में एक ही जैसा था, एक जैसा है।